नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मेरा नाम है सुशील और मैं आप सभी को अनअकैडमी पर मैथ्स पढ़ाता हूँ। दोस्तों मैं एक और सेशन लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ। उससे पहले मैं अपनी टीम के बारे में बता देता हूँ। नेहा मलिक मैम है इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम है वोकैब के लिए और नीतू मैम है जनरल स्टडीज़ के लिए। हमारी बाकी की टीम की जहाँ तक हम बात करें तो बदूनी सर हैं मैथमेटिक्स के, पवन राव सर हैं मैथमेटिक्स के, काशिफ सर हैं जनरल स्टडीज़ के, सरफराज सर, संदीप रावत सर, मोहित सर, अभिषेक सर, इस सारे के सारे बेहतरीन फैकल्टीज़ आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रही हैं, जिनसे कि आप पढ़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। दोस्तों इस सेशन का जो हमारा मकसद है वो है कि हम कैसे आरआरबी एनटीपीसी में परफेक्ट 30 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, आरआरबी एनटीपीसी में। इसके अलावा हम लोग एसएससी में भी पूरा परफेक्ट स्कोर कर पाएंगे। आप इस सेशन में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बस ये मेरे बारे में कुछ एक पॉइंट्स हैं दोस्तों, जिनको आप देख सकते हैं। दोस्तों आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करके और उसके अंदर ये यूआरएल को टाइप करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम का, जो हमारा है अनअकैडमी का। उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आपको उसी पर मिलेंगे। ये हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, आप इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये ऐप रहेगा तो ही आप सभी एजुकेटर्स को एक्सेस कर पाएंगे, जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं उनसे आप पढ़ पाएंगे। इसके अंदर अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप रेलवे के एग्जाम्स की कैटेगरी को सेलेक्ट करिएगा। अनअकैडमी में पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्लस पर, ठीक है। फेवरेट टीचर से आप पढ़ते हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, एक सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है आपका एजुकेटर्स के साथ, आप डाउट पूछ सकते हैं और आप वीडियोस को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ये मेरा कोड है भाई, इसको जरूर यूज करेगा अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो, राजपूत 10। ये आप देख सकते हैं कोड राजपूत 10। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। 1.2 होल क्यूब प्लस में 0.8 होल क्यूब प्लस में 0.7 होल क्यूब माइनस 2.016, ठीक है, अपॉन में क्या कह रहा है, 1.35 इंटू 1.2 होल स्क्वायर प्लस में 0.8 होल स्क्वायर प्लस में 0.7 होल स्क्वायर माइनस 0.96 प्लस माइनस 0.86 माइनस 0.56। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की आइडेंटिटी लग रही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, भाई इसकी आइडेंटिटी अपनी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ठीक है, ये रहती है आइडेंटिटी। तो जो ये आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ना इसका, इस पे पूरी आइडेंटिटी एज इट इज लग जाएगी आपकी। तो इसकी जगह जब आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस 0.8 प्लस में 0.7, ठीक है, और साथ में ये बाकी का आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन ये तो नीचे भी है, देखिए यहाँ पर ये रहा आपका दिस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एन माइनस सी ए। तो इससे ये वाला जो पार्ट आपका ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस बचेगा क्या, 1.35, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 1.25 प्लस में 0.8 प्लस में 0.7, इसको आप टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 2.70, ठीक है, और अपॉन में कितना चल रहा है, 1.35। ये 1.35 से 2.70 जो है ये 2 पे कट जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 2, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर, ये लगानी थी आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भाई,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है अगर, तो ए स्क्वायर बटे में बी सी प्लस में बी स्क्वायर बटे में सी ए प्लस में सी स्क्वायर बटे में ए बी। देखो तो एक तरीका तो इसका ये हो सकता करने का, आप यहां पर ए बी सी को एलसीएम ले लें तो बी सी से बी सी कट जाएगा, यह आ जाएगा ए क्यूब, सी ए से सी ए कट जाएगा यह आ जाएगा बी क्यूब, और ए बी से ए बी कट जाएगा यह आ जाएगा सी क्यूब आपका। और अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा थ्री ए बी सी के, ठीक है। ये तो अब यहां पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह रख देंगे थ्री ए बी सी, ये रख देंगे आप, और नीचे क्या है आपका ए बी सी है ना, तो ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है जीरो, ठीक है। आप ए की वैल्यू वन रख दें, बी की वैल्यू वन रख दें, सी की वैल्यू माइनस टू रख दें, मतलब आप ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, मर्जी है आपकी, बस होना क्या चाहिए कि भाई आपका जो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करने पर, मतलब जो गिवन है उसमें भी और जो निकालना है उसमें भी, दोनों में वैल्यूज़ को पुट करने पर है ना इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए बस, ठीक है। तो आपने ए की वैल्यू वन रख दी, बी की वैल्यू वन रख दी और सी की वैल्यू क्या रख दी माइनस टू। तो अगर आप ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, वन अपॉन में माइनस टू, वन इंटू माइनस टू, प्लस वन अपॉन में माइनस टू, प्लस फोर अपॉन में वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस वन प्लस में फोर, ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका थ्री आ जाएगा, आंसर विल बी थ्री। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है P इंटू क्यू इंटू आर बराबर कितना है वन, तो आपको वैल्यू बतानी थी वन अपॉन वन प्लस पी प्लस क्यू रेस्ट पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस आर प्लस क्यू रेस्ट पावर माइनस वन एंड प्लस वन अपॉन वन प्लस क्यू प्लस आर रेस्ट पावर माइनस वन की, ठीक है। अब देखो P इंटू क्यू इंटू आर बराबर अगर वन ही है, एक है आपका, तो भाई आप P Q और R की वैल्यू वन भी तो रख सकते हैं, वन इंटू वन इंटू वन क्या होता है वन होता है, तो आप वन ही रख दीजिए वैल्यू को, ठीक है। अगर आप वैल्यूज को वन रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वन अपॉन में वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है। यह आ जाएगा वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस में वन बाय थ्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे थ्री अपॉन में थ्री, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका वन आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर है टू एस, टू एस का हम और हमें वैल्यू बतानी है एस माइनस ए होल क्यू प्लस में एस माइनस बी होल क्यू प्लस में थ्री इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू सी की। क्या हम टू एस को एस प्लस एस लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा सी बराबर एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, ठीक है। ए और बी को इधर ले आए हम, ठीक है, एस माइनस ए एंड एस माइनस बी। अब दोनों तरफ हम होल क्यूब कर देते हैं, क्यूब क्यूब करेंगे तो देखो क्या आएगा, सी क्यूब बराबर एस माइनस ए होल क्यूब प्लस
एस माइनस बी होल क्यूब प्लस 3 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू, यहाँ पर ए प्लस बी आना चाहिए था, मतलब ये ए प्लस बी, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम सी, क्योंकि दे रखा है हमें, हमारे पास है इसकी जगह सी, तो इसकी जगह सी रख देंगे। तो देखिए अब ध्यान से, ये ही तो वैल्यू आपको निकालनी थी और इसकी वैल्यू क्या आ गई, सी क्यूब आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, सी क्यूब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना बात को, आंसर क्या हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा। या इसके अलावा आप एक और भी तरीका कर सकते हैं, मान लो आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दो मान लेते हैं, तो एस की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एस की वैल्यू जब तीन रखेंगे आप, तभी तो तीन दूनी छः और दो जमा में दो जमा में दो छः, तभी तो बन पाएगा, ठीक है। तो एस की वैल्यू तीन आ गई आपकी, ठीक है। अब अगर आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इनके अंदर, तो देखिए 3-2 1 होल क्यूब प्लस में 3-2 1 होल क्यूब प्लस में 3 × 3-2 मतलब 1 3-2 1 and 2, तो यह आ जाएगा 1+1+6, कितना आ जाएगा 8। अब आप C की वैल्यू 2 चारों ऑप्शंस पे रखेंगे, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो आपको आंसर देगा क्या, 8, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a-b-c-3, तो आपको वैल्यू बतानी थी 2a-3b+4c की, ठीक है। आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए, देखो कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 1+1+1 बराबर में क्या दे रखा है, 0, इक्वल में क्या है, 0 आपका, ठीक है। अब है ना ये होल स्क्वायर बनेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा, तीन होल स्क्वायर बनेंगे इसके अंदर, ये जो आपका है ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। इसी तरीके से b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, ये आपका b प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और नेक्स्ट जो है आपका ये c प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। आप ये a b c की वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1-3 × -1+4 × -1 आपका 2+3-4, आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर।
अगले सवाल में क्या कह रहा है भाई, टेन एक्स प्लस वाई बराबर कितना है वन, टेन एक्स माइनस वाई बराबर कितना है जीरो। तो टेन की वैल्यू वन कितने डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर होती है, टेन 45। और टेन की वैल्यू जीरो कितने डिग्री पर होती है, टेन जीरो डिग्री पर होती है। तो इसका मतलब यहां से एक्स प्लस y कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री, और x माइनस y कितना डिग्री आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, ये y से y खत्म हो जाएगा, 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 बटे में 2 यानी 22.5। ठीक है, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 22.5, क्योंकि x प्लस y का जोड़ कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, आसान से सवाल है, आप कर देंगे जरूर, मुझे पता है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है साइन 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है 1, एंड कोस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/2, 1/2। ठीक है, तो भाई साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर। 4 अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90, एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो कॉस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर होती है। ठीक है, ये तो मतलब हमने डायरेक्ट रख लिया, इसकी जगह हमने रख लिया 90 डिग्री और इसकी जगह रख लिया हमने 60 डिग्री। बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, 6 अल्फा इसकी वैल्यू आएगी 150, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। आप सॉल्व करेंगे बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 डिग्री। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख देंगे 25 प्लस में 10 गुणा में 2 20 20। ठीक है, तो साइन 45 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√2 होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2, क्योंकि साइन अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पूछी थी, और अल्फा और 2 बीटा की वैल्यू निकालने के बाद अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह देखा तो 1/√2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर टेन ए माइनस बी प्लस सी बराबर कॉस माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर वन। तो आपको वैल्यू बतानी थी ए बी सी की। अब भाई सबकी वैल्यू वन है, आप ये देखो साइन की वैल्यू वन कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर होती है। कॉस की वैल्यू टेन की वैल्यू वन कितने डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर होती है, और कॉस की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। तो एक प्रकार से यहां पर a प्लस में b माइनस सी बराबर में कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और a माइनस में b प्लस सी ये कितना डिग्री आ गया आपका, 45 डिग्री आ गया, और माइनस a प्लस बी प्लस सी ये कितना डिग्री आ गया आपका, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, पहले तो इक्वेशन को उठाइए, जैसे देखिए बीटा बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, 2 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 135, तो ए बराबर क्या आ जाएगा,
67.5, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे इक्वेशन को उठाएंगे तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, टू ऑफ सी इज इक्वल्स टू 45, तो सी बराबर क्या आ जाएगा यहां से 22.5, 22.5। और पहले और तीसरे को उठाएंगे तो देखो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, तो टू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 45 डिग्री। बी 45 हो गया, ए 67.5 हो गया और सी कितना आ गया 22.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके तीनों वैल्यूज हो जाएंगी ए बी सी की। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर है z के, तो आपको वैल्यू बतानी थी cos square x प्लस में cos square y प्लस में cos square z। अब देखिए x प्लस वाई बराबर z है, तो भाई 0 प्लस में 0 बराबर भी तो 0 होता है, ठीक है, और cos 0 इन्फिनिटी होता नहीं है, 1 होता है, तो आप यही वैल्यू रख दो। आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा 1, ये भी क्या आएगा 1, और cos स्क्वायर z ये भी क्या आएगा 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में अगर 3 मिल गया तो 3 लगा देना, नहीं मिला तो एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 रख देना। एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 रखने पर जो ऑप्शन आपका आंसर 3 बना रहा हो वो आपका ऑप्शन आंसर कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बड़े आसान आसान सवाल है। देखो अब क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस सॉरी 1 प्लस साइन वाई इंटू 1 प्लस साइन जेड बराबर है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन वाई इंटू 1 माइनस साइन जेड और बराबर में इसके है क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह वैल्यू बतानी थी आपको। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू को 0 रख लेंगे। 0 रखेंगे तो साइन 0 0 साइन 0 0 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 0 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू 1 प्लस में 0 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 बराबर में। अब देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया, तो आंसर में भी तो 1 आना चाहिए ना। तो यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1। तो आप इसके अंदर अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे 1 तो कौन सा वाला ऑप्शन आपका 1 बनाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस प्रिंट हो गया है ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पे ये कॉस एक्स होना चाहिए और ये कॉस वाई होना चाहिए और ये कॉस जेड होना चाहिए, क्योंकि यही आंसर है आपका। जब आप कॉस जीरो क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये आपका आंसर ऑप्शन क्या बनाएगा 1 बनाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए आपका cos x इंटू, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर क्या होगा, cos x इंटू cos y इंटू cos z, ये आंसर होने वाला है आपका, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 8 मैन बाय वॉकिंग 9 आवर पर डे कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज 7 मैन बाय वर्किंग 10 आवर्स पर डे कैन डू दैट वर्क। तो भाई 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो आपको बताना था 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में उस काम को कर सकते हैं। तो देखिए 10 से ये 20 कितने पे कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 8 ने 72 दूनी
144 बटे में 7 बराबर में नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 सही 4 बटे 7, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 20 सही 4 बटे 7। तो आसान सा क्वेश्चन है आपका ये, ये एक्चुअली में एमडीएच वाला फॉर्मूला लगा है इसके अंदर, m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन में w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 बाय w2, ये वाला फॉर्मूला लगा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5 मैन कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स पर डे, 5 आदमी 10 खिलौने बना सकते हैं 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, तो बताना था 12 आदमी 16 खिलौने 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में बना सकेंगे। तो देखिए 5 मैन बाय वर्किंग 6 आवर्स पर डे इन 6 डेज कैन प्रिपेयर 10 टॉयज, 10 खिलौने बना सकते हैं, तो आपको बताना था कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में कितने खिलौने बना सकेंगे, 16 खिलौने बना सकेंगे। तो वही दोबारा से एमडीएच वाला फॉर्मूला लग रहा है, m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन में w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन में w2, वही फॉर्मूला लग रहा है आपका, ठीक है। अब देखो 5 से 10 कितने पे कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा, 8 से 16 कट जाएगा 2 पे, 2 से 12 कट जाएगा 6 पे, और 2 से फिर 6 कट जाएगा 3 पे, और 6 से आपका 6 खत्म हो गया, तो नंबर ऑफ डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे, 3 आ जाएगी, अपनी नंबर ऑफ डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, पक्का मुझे 100% भरोसा है आप समझ पा रहे होंगे जरूर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4 आदमी और 5 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, 9 आदमी और 6 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में, तो आपको बताना था कि कितनी महिलाएं 4 आदमियों के साथ काम पर लगाई जाएं ताकि उस काम को कितने दिन में खत्म करवाना है, 7 दिन में खत्म करवाना है, 7 डेज में। देखो सुनो, 4 आदमी 5 महिलाएं ये कर सकते हैं 15 दिन में खत्म, और 9 आदमी 6 महिलाएं ये कर सकते हैं 10 दिन में खत्म। इसको सॉल्व करो, 60m प्लस में 75 वुमेन इज इक्वल्स टू 90 मैन प्लस में 60 वुमेन, ये उधर ले जाएंगे, माइनस 30 मैन इज इक्वल्स टू माइनस 15 वुमेन, माइनस से माइनस कट गया, मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 1/2, 1/2। अब 1 एंड 2 को यहाँ पुट कर लो, किसी में पुट कर लो, चाहे यहाँ पहले वाले में पुट कर लो चाहे दूसरे वाले में पुट कर लो, यहाँ पुट किया जैसे देखो 4, 1 पुट करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और वुमेन की जगह 2 पुट करेंगे तो 5 दुनी 10 आ जाएगा, और गुणा में कितना चल रहा है अपना 15, तो 14 गुणा में 15, ये तो टोटल वर्क हो गया आपका। अब भाई इसके नीचे हम क्या एफिशिएंसी बनाएं कि ये काम 7 दिन में ख़त्म हो जाए, देखो इससे इसके नीचे हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे ये 15 पूरा कट जाए और 14 सिर्फ 2 पे कटे, तो 7 बच जाएगा ना, तो 15 दुनी 30 बना लें हम नीचे, अगर हम नीचे 30 बना लेंगे तो 15 से 2 पे कट जाएगा, 2 से 14 7 पे कट जाएगा, तो 7 दिन बन जाएगा आपका इस तरफ, ठीक है, 30 बनाना चाहिए नीचे। अच्छा कितने आदमी दे रखे हैं, 4 आदमी दे रखे हैं, 4 मैन प्लस में वुमेन कितनी होंगी, यही तो पूछ रहा है ना, पहले आप 4 आदमी देख लो ये कितना काम करके देंगे, 4 आदमी एक के हिसाब से आपको 4 काम करके देंगे, आपको बनाना 30, यानी कितना काम और रह गया, 26 काम और रह गया, भाई एक महिला की एफिशिएंसी है 2, तो कितनी महिलाएं आपको 26 काम करके देंगी, 13 महिलाएं आपको 26 काम करके देंगी, तो आंसर आ जाएगा आपको 13 वुमेन को काम पे लगाना पड़ेगा, 13 वुमेन, ठीक है, ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भाई एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू डिग अ कैनाल ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग
इन 350 डेज एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण 350 दिनों में करवाने का ठेका लिया। 45 आदमियों को काम पे लगा दिया। 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया तो कितने और आदमियों को काम पे लगाए ताकि काम समय पे पूरा हो जाए। देखो, पहले 45 आदमियों को काम पे लगाया, उन्होंने 200 दिन तक काम किया, कितने किलोमीटर नहर का निर्माण कर दिया, 4.5 किलोमीटर। उसके बाद कितने और आदमियों को काम पे लगाए पता नहीं है, M2 लिख लेते हैं, ताकि काम समय पे ख़त्म हो जाए, यानी 150 दिन में ख़त्म हो काम। 200 दिन हो चुके, 350 टोटल थे, 150 बचे हुए हैं, और काम कितना बचा हुआ है, 7.5 किलोमीटर। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 45 से 45 चला गया और 75 से 150 चला गया 2 पे, और 2 से अपना 200 चला गया कितने पर, 100 पर। तो नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द सेकेंड शिफ्ट ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 आदमी काम कर रहे हैं दूसरी शिफ्ट में, इसमें से 45 आदमी तो पहले ही लगा दिए गए थे काम करने के लिए, ठीक है, तो नए आदमी कितने आए हैं, 55। तो जितने नए आदमी आएंगे ना वो आंसर होगा, ठीक है, तो नए आदमी 55 आए हैं काम करने के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 55। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना था कि 57 आदमी उससे दुगने काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में करेंगे, अगर पहले ग्रुप के 2 आदमी दूसरे ग्रुप के 3 आदमियों के बराबर काम करते हैं। देखो, 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। आपको बताना था 57 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में उससे दुगने काम को करेंगे। तो मान लो यहाँ पे काम एक है, तो यहाँ कितना होगा, 2। अब साथ में कह रहा है पहले ग्रुप के 2 आदमियों का काम दूसरे ग्रुप के 3 आदमियों के काम के बराबर है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 3 और 2, यानी यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो ये 2 से 2 चला गया, ठीक है। अब देखो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, 6 तिया 18, तो नंबर ऑफ डेज आपके कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। तो भाई कितने दिनों में वो काम इस तरीके से कर पाएंगे डबल को, 18 दिन में कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बहुत ही बेहतरीन 15 सवाल किए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मेरा कोड जरूर यूज़ करिएगा, Rajput10, ठीक है, कोड मत भूलिएगा, Rajput10, ये मेरा कोड है, इसको यूज़ करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।